नोके डाकखाने में हुई करीब 60 करोड़ की ठगी की खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। बता दें कि मामले में मुख्य आरोपी पवन कालरा और अन्य आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 60 करोड़ के गबन से करीब 600 लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये जो काम है, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर से जो पैसे निकले हैं, इसके अंदर में मुझे जो लगता है कि अधिकारियों की मिली भगत से ये पैसा निकला है। अगर अधिकारियों के मिली भगत से पैसा नहीं निकलता, वो अलग बात है कि वो पैसे जमा नहीं कराए या दूसरी चीजें, वो तो अलग है। लेकिन जो पैसा जमा हो गया बैंक के अंदर में या डाकखाने के अंदर में और उसमें से पैसा निकलता है और बगैर प्रार्थी के निकलता है, तो उसके अंदर निश्चित रूप से जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं उनका पूरा मिली भगत है, उनके षड्यंत्र के तहत पैसा निकला है। ठीक है, हमसे तो मिले थे तो हमने तो यही कहा कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, उसमें चाहे प्रशासन से कहने की बात है या उसको ढूंढ के लाने की बात है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं।